तो भाई ये रहा Redmi Note 9 Pro और हमने भी मंगा लिया है Amazon.in से। और आपको हम बता दें कि भाई इसकी जो सेल थी वो ऐसे 90 सेकंड में ख़त्म हो चुकी थी और एक अकाउंट से मेरा जो SSN है वो एक्सपायर हो चुका था, पेमेंट मेरी फेल हो गई थी। दूसरे अकाउंट पे मैंने कार्ट में ऐड किया था तो उससे ऑर्डर हुआ है और ₹500 भाई डिस्काउंट हुआ है। तो लगभग से ये स्मार्टफोन मुझे 12,500 का पड़ा है। तो चलिए ओपन करते हैं इस बॉक्स को और आप लोग बताइएगा आप में से कितने लोगों ने ट्राई किया है Redmi Note 9 Pro को बाई करने के लिए फर्स्ट सेल में और क्या आपको मिला या नहीं, बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे सामने की तरफ आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा Qualcomm Snapdragon 720G। तो ये सबसे सस्ता स्मार्टफोन है Qualcomm Snapdragon 720G के साथ में, जो कि आपको 13,000 का ऑफिशियल मिलता है, बट डिस्काउंट वगैरह आप लगाएंगे तो हो सकता है आपको सस्ते में भी देखने को मिल जाए। और वही चीज़ यहाँ पे फिर लिखी गई है 720G 48 megapixel आपको AI क्वाड कैमरा मिलता है और ये स्क्वायर शेप में है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 5020mAh की बैटरी मिलती है, तो काफ़ी हाई डेंसिटी बैटरी है। साथ में 18W का फास्ट चार्जर इन द बॉक्स है, ये भी मेंशन किया गया है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है फ्रंट एंड बैक पे। इसके अलावा जो कैमरा सेंसर है वो आपको 48+8+5+2 megapixel मिलता है। तो चलिए ओपन करते हैं, मेड इन इंडिया है भाई, 4GB 64GB और ग्लेशियर व्हाइट में मैंने मंगाया। हालांकि यहाँ पे ब्लैक और ब्लू कलर का भी वेरिएंट अवेलेबल था, हल्का ग्रीन और ब्लू का टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है वो अवेलेबल था, बट मुझे ये जो स्मार्टफोन है ये काफ़ी पसंद आया है। और यहाँ से कट करेंगे सबसे पहले, और इस बार भाई पन्नी वगैरह नहीं चढ़ी ऊपर, हर बार ऐसे पॉलीथीन का रैप होता था बट इस बार कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ओपन करते हैं, इसको रखते हैं साइड में और सबसे पहले वही चीज़ें आपको जो मिलती हैं हर बार Xiaomi के कोई स्मार्टफोन में, सिम इजेक्टर टूल और एक कवर जो कि ट्रांसपेरेंट टाइप का है और कुछ इस तरह से आपको मिलता है। निकाल के हम आपको दिखाते हैं, तो ये देखिए क्वालिटी जो है वो नॉर्मल है, कुछ टाइम बाद येलो पड़ जाएगा तो वो तो नॉर्मल केस के साथ में हो जाता है। और ये है आपका यूज़र मैनुअल, आप देख सकते हैं। चलिए फ़ोन को बाहर निकालते हैं, तो फ़ोन वाव काफ़ी बढ़िया है, इसको रखते हैं साइड में और इसके अलावा देखते हैं क्या भाई और कुछ है। तो यहाँ पे दो चीज़ें और हैं, यहाँ पे पलट लेंगे ऐसे। तो ये है आपका टाइप सी केबल जो कि मिलता है, एक ठीक ठाक बिल्ड क्वालिटी है इसकी। और साथ में एक और चीज़ आपको मिलती है, तो भाई निकल नहीं रहा ये बाहर, और फाइनली ये बाहर आ चुका है। ये है वाइट कलर में और Xiaomi के साथ मैंने शायद फर्स्ट टाइम देखा, नहीं सेकंड टाइम देखा है, पोको जो स्मार्टफोन था उसमें भी वाइट चार्जर मिला था और यहाँ पे भी आपको वाइट कलर का चार्जर देखने को मिलता है। रेटिंग है इसकी 9V 2A है और मैक्सिमम 12V 1.5A है, तो वाइट चार्जर है तो गंदा भी बहुत ज़्यादा होगा। रखते हैं सब कुछ साइड में और आते हैं अपने मेन फ़ोन की तरफ। तो ये है आपका स्मार्टफोन और भाई ये पंच होल कैमरा मुझे दिख गया है बिना ऑन किए फ़ोन, आप देख सकते हैं यहाँ पे जस्ट आपको सेंटर में देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें फ़ोन के बैक पोर्शन की, तो भाई कैमरे का ऐसे बम्प नहीं, कैमरे का पहाड़ बना दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा ऐसे बम्प आपको देखने को मिलता है। अगर मैं आपको ऐसे कुछ दिखाने की कोशिश करूँ तो आप जज कर सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा है, और अगर आप फ़ोन रखेंगे ऐसे तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आपको पता चल रहा है, ऐसे फ़ोन जो है आप इधर उधर करके हिला सकते हैं। तो फिलहाल ये जो फ़ोन है ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ग्लॉसी आपको फिनिश में देखने को मिलता है। और इसको हटाते हैं, उसके पहले आपको बता दें कि यहाँ पे आपको माइक्रो SD कार्ड का अलग से स्लॉट मिलता है जो कि शायद पहली बार हुआ है नोट सीरीज़ के अंदर, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और इसको भी हम लोग हटाएंगे यहाँ से। वाव, सो गाइस यहाँ पे फ़ोन आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया है और ये वाइट कलर यार सच में काफ़ी अच्छा लग रहा है। फ़ोन को ऑन करते हैं, और भाई जो लोग इस चैनल पर नए आ गए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार भाई क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करिए, साथ में क्लिक करो बेल आइकन को ताकि कोई भी वीडियो ऐसी मिस ना हो। सो गाइज यहाँ पे फ़ोन को मैंने बूट कर लिया है और यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं सबसे पहले। तो इंग्लिश लैंग्वेज और इंडिया, तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेगा। और गाइज अगर आप देखेंगे ऐसे नॉच के पास तो हल्का सा आपको ब्लैक टाइप का ऐसे दिखेगा, क्योंकि ये कट करने में थोड़ा इशू हो जाता है और ये IPS पैनल है तो हल्का स्क्रीन ब्लीडिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर में अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और यहाँ पे आपको साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है जो कि हमने देखा था Poco X2 में या फिर Realme के जो डिवाइसेस अभी लॉन्च हुए हैं 6 और 6 Pro, उसमें भी आपको साइड माउंटेड देखने को मिल जाता है। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट है, ऐसे जस्ट आप क्लिक करेंगे तो काफ़ी फास्ट है, आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी जल्दी ये रिकग्नाइज कर रहा है। तो भाई फ़ोन हो चुका है बूट और कम्प्लीटली सेटअप कर लिया मैंने स्मार्टफोन। और अगर हम बात करें इसके डिज़ाइन एंड बिल्ड की,
तो यार बिल्ड क्वालिटी इस फोन की काफी अच्छी है। सामने और पीछे की तरफ आपको मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, साथ में जो कैमरे का लेंस है इसके ऊपर भी आपको कॉर्निंग का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। साथ में यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और ये आपको LED फ्लैश यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। रेडमी की ब्रांडिंग यहाँ पे है और ये जो फ्रेम है एक्चुअली ये एल्युमिनियम टाइप का आपको दिख रहा है, बट ऊपर से ऐसे एल्युमिनियम की कोटिंग है, अंदर से ये फोन जो है वो पॉलीकार्बोनेट का है या फिर आप बोल सकते हैं कि प्लास्टिक का फ्रेम इस फोन में दिया गया है। अभी दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एक पंच होल कैमरा जो कि है 16 मेगापिक्सल का और स्पीकर ग्रिल यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके स्पीकर्स की तो एक सिंगल स्पीकर आपको देखने को मिलता है बॉटम में, टाइप सी पोर्ट है, 3.5mm का ऑडियो जैक भी है। इसके अलावा यह है प्राइमरी माइक्रोफोन, सेकेंडरी माइक्रोफोन आपको ऊपर की साइड मिलता है और ये IR ब्लास्टर है जो कि आपको हर एक Xiaomi स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है कि Note 9 Pro में भी आपको प्रोवाइड कराया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें सिम की तो आपको मैंने बताया कि 2 सिम प्लस एक SD कार्ड आप लगा सकते हैं। तो ये है फोन का कंप्लीट ओवरव्यू और यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले मिलती है वो एक IPS पैनल है, 6.67 इंचेस का फुल SD प्लस डिस्प्ले है और कलर्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छे कलर हैं, जो कंट्रास्ट रेशियो है वो भी काफ़ी बैलेंस्ड है। तो ऐसे डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है और जो पोको X2 का डिस्प्ले था लगभग वही क्लैरिटी यहाँ पे भी आपको देखने को मिलती है, बट दोस्तों वहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज मिलता था, बट यहाँ पे डिस्प्ले में ऐसी कोई सेटिंग नहीं है जहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज या फिर 120 हर्ट्ज सेट करने का ऑप्शन मिले। नॉर्मली ये फ़ोन 60 हर्ट्ज पे काम करता है और मुझे लगता है कि 60 हर्ट्ज इस प्राइस पॉइंट पे ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर डिस्प्ले 90 हर्ट्ज भी होता तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलता और काफ़ी स्मूथ आपको लगता, बट ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल आप 12000 में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे बात करते हैं इस फोन के बैक कैमरे की, तो यहाँ पे जो प्राइमरी सेंसर आपको मिलता है वो है 48 मेगापिक्सल का और यहाँ पे जो सेंसर काम में लिया गया है वो है सैमसंग का GM2 और इसके अलावा आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिलता है, साथ ही साथ 5 मेगापिक्सल का आपको माइक्रो कैमरा मिलता है। तो माइक्रो कैमरा इस बार इंप्रूव किया गया है, 2 मेगापिक्सल से 5 मेगापिक्सल हो गया है और जो आपको चौथा कैमरा मिलता है वो है डेप्थ सेंसर जो कि 2 मेगापिक्सल का प्रोवाइड कराया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट और यहाँ पे अगर हम बात करें इसके जो प्लेसमेंट है इसका वो काफ़ी बढ़िया है, मेरे अंगूठे के जस्ट एकदम सेंटर में आ रहा है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो इन हैंड फील है वो भी आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है और यहाँ पे जस्ट लॉक करेंगे और टच किया ये ओपन हो गया। सो गाइस यहाँ पे काफी फास्ट है और एज अ बैक जो फिजिकल स्कैनर आपको मिलता था सेम वैसे ही काम करता है। सो गाइस यहाँ पे काफी फास्ट है। अभी दोस्तों बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए आपको मिल जाता है Qualcomm Snapdragon 720G और मुझे लगता है कि 13000 रुपये के प्राइस पॉइंट पे ये जो चिपसेट है ये काफ़ी अपने आप में अच्छा है, क्योंकि ये जो चिपसेट है गेमिंग सेंट्रिक चिपसेट है और यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी और डे टू डे लाइफ में अगर आप अपना स्मार्टफोन यूज़ करेंगे, गेम अगर आप नहीं भी खेलते हैं तो भी आपको कोई ऐसे हैंग लैग देखने को नहीं मिलेगा और 13,000 रुपीज़ के हिसाब से ये जो चिपसेट है ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है मेरे हिसाब से। अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है पोको X2 और ये है Redmi Note 9 Pro और यहाँ पे आपको मिलता है 720G 730G, तो बहुत ऐसे डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसका गेमिंग कंपैरिजन हमारे चैनल पे आएगा तो आप थोड़ा सा स्टे ट्यून्ड रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आपकी वो वाली वीडियो मिस ना हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बैटरी के हिसाब से तो Xiaomi ने क्लेम किया कि भाई आपको 11 घंटे का PUBG गेम प्ले देखने को मिलेगा, तो हम लोग टेस्ट करेंगे और फिगर आउट करेंगे क्या Xiaomi ने सही बोला है या फिर हमारे टेस्ट में कुछ डिफरेंस आता है या नहीं। अभी दोस्तों बात करते हैं इस फोन के कैमरे की, तो कैमरा जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और आप देख सकते हैं कि फ्रंट कैमरे में भी आपको स्लो मोशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी नई चीज़ है और अगर आप टिकटॉक वगैरह बनाते हैं या फिर स्लोमो लेने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो आपके लिए ये फीचर काफ़ी अच्छा काम करने वाला है। और फ्रंट कैमरे के सैंपल्स की अगर हम बात करें तो कुछ फोटोज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये फोटोज़ लो लाइट में हैं, आर्टिफिशियल लाइट में हैं और डे लाइट में भी हैं आप देख सकते हैं। फिलहाल इसका डेडिकेटेड कैमरा कंपैरिजन आपको बहुत ही जल्द हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा तो उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इस फोन के रियर कैमरे की तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे और 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया गया है जो कि आपको अल्ट्रा SD में इस मतलब 4K ये फ़ोन सपोर्ट करता है और अगर हम बात करें स्टेबलाइजेशन की तो आपको 1080p में स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में वीडियोस भी रिकॉर्ड करता है और फोटोज़ के कुछ सैंपल यहाँ भी आप देख सकते हैं डे लाइट में और एज वेल एज लो लाइट में भी। अभी दोस्तों बात करते हैं इस फोन के प्राइसिंग की, तो ये जो स्मार्टफोन है ये आपको मिलेगा लगभग से 13000 रुपये में, बट इसका एक और वेरिएंट आता है जो कि 6GB के साथ में आता है जहाँ पे आपको 128GB की स्टोरेज मिलती है, तो वो स्मार्टफोन आपको मिलता है 16000 में। बट अगर आप ये स्मार्टफोन लेना चाहते हैं 6GB के साथ में तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्रो मैक्स वर्जन के साथ में जाएँ जहाँ पर आपको 6GB का रैम मिलेगा और 33W की आपको चार्जिंग भी मिल जाएगी, साथ में 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलेगा बैक में और एक चीज़ और है भाई, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी भी
वहाँ पे दी गई है, तो काफ़ी कुछ अपग्रेड हो जाएगा। और 6GB रैम से इसके वर्जन से 1000 रुपये कम भी है, मतलब वो स्मार्टफोन आपको सिर्फ 14,999 में देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 4GB अगर आपको लेना है तो आप ये वाला लीजिए, अगर 6GB लेना है तो आप मैक्स प्रो में स्विच कर सकते हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो भाई लाइक कर दो, और मिलते हैं आपसे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।